सीता, मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। आपके प्राणनाथ जब वन को जा रहे हैं ना, तो आप जा सकती हो। स्त्री का धर्म बनता है पति की सेवा करना। लक्ष्मण ने जवाब दिया है कि भैया जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगा। लक्ष्मण अपनी मैया सुमित्रा के पास में पहुंचे। बोले मैया, मैं आज तुझसे कुछ मांगने आया हूँ। मैया बोली, बेटा ये समय मांगने का नहीं है, मैं अभी बात नहीं करूंगी आपसे। बोले माँ, मुझे कुछ चाहिए हो वो भी अभी, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। मैया बोली, आप जिद कर रहे हो तो बताइए। बोले माँ, मुझे आज्ञा दे दे, मैं भाई के साथ में वन को जाऊंगा। मैया की आंखों में आंसू आ गए। जवाब दिया, लाला आज तू मेरी दिल की बात कह रहा है, मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा ऐसा है। मैं आपको आज्ञा देती हूँ, तू भाई के साथ में जरूर जा और भाई की सेवा करना। उर्मिला बई खड़ी है। बोले मैया, मेरे प्रीतम जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगी। लक्ष्मण ने कहा, उर्मिला मैं तुझे नहीं ले जाऊंगा। बोले क्यों? अरे राम की पत्नी उनके साथ जा रही है तो हम भी जा सकते हैं ना। लक्ष्मण ने कहा, उर्मिला आप नहीं जा सकती, आपको पता है क्योंकि आप वहां नहीं जाओगी। एक बात बता दूं दादा, लक्ष्मण प्रभु राम के संग में न जाते तो मेघनाथ को न मार पाते। मेघनाथ को वही मार सकता है जिसने 14 वर्ष तक अपनी स्त्री का मुख न देखा हो और जो सोया न हो। 14 वर्ष तक जो सोया न हो, स्त्री का मुख न देखा हो, वही मेघनाथ को मार सकता है। ये कारण था। तो उर्मिला को प्रेम से समझा दिया, देखो मैया कौशल्या का एक ही बेटा है, वो भी राम, उनकी बहू बेटा दोनों वन को जा रहे हैं। मेरी माँ के 2 बेटे हैं, उनके पास एक बहू तो रहती है। मैया कौशल्या के पास में एक भी बहू नहीं है, आप उनकी सेवा करना। आप माँ से बढ़ करके समझना, मैया कौशल्या की कोई सेवा करने वाला नहीं है, आप यहाँ पर मन लगा करके उनकी सेवा करना। समझा दिया है राम लक्ष्मण सीता आज 14 वर्ष के लिए वन को चले हैं। दादा आगे बढ़े हैं तो गंगा मैया के तट पे पहुंचे हैं। केबट से जवाब दियो, भैया अपनी नाव में बिठाए के मुझे गंगा पार कराए दे। केबट बोला, सही कह रहे हो, मैं अपनी नाव में नहीं बिठा सकता प्रभु। बोले क्यों? बोले आपके पैर में जादू है, मैं नहीं बिठाऊंगा। अगर आपने मेरी नाव में पैर रख दिया तो ये नाव उड़ जाएगी। अरे मैं रोटी रोजी कहाँ से चलाऊंगा, मेरा तो ये रोज का काम है प्रभु, मैं नाव में नहीं बैठा सकता। प्रभु राम बोले, भैया केवट मैं तो आशीर्वाद दिए, तेरी एक शादी भई, तेरी 2 शादी हो जाए, तू नाव में बिठाए के मुझे गंगा से पार कराए देवे। केबट ने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया, राम ये सुनो, हमें दूजी शादी ना करने। बोले क्यों? कि राजा दशरथ की अगर 3 रानियां ना होती तो आज तुम 14 वर्ष का ये बन को ना जाती, भटकते फिर रहे हो। हमारा दूसरो ब्याह मोए ना करने, तुम्हारे जैसो तुम्हारे पिता ने 3 शादी करी है तभी तो तुम बन को जा रहे हो। अब राम चुप्पा हो गए। जवाब दे दिया केवट ने। प्रभु राम हंसने लगे। जवाब दियो, भैया अरे पार कराए देना। बोले बिल्कुल नहीं करा सकता, अगर पार ही जाना है तो पहले पैरों को धुलवाइए
और जवाब दिया एक बात और सुनो, राजा उत्तान पात की अगर दुई रानी ना होती सुरचि और सुनीति तो दुर्भ बन को ना जाती, तपस्या करने ना जाती और तुमऊ बन को ना जाती, तासे हमें माफ कर दे प्रभु जमाई ना उड़ी जाइए। राम बोले भैया पार लगाए दे, बोले ना पैर धुलवाओ पहले। राम ने देखा ये तो बहुत जिद कर रहा है, केवट ने भगवान के पैर धुले ही उसके बाद में नाव पे चढ़ने दिया, नाव में बैठाया और केवट नाव को लेकर के चला है।